नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाला मामले के चलते इन दिनों तिहाड़ जेल में बंद हैं। अभी उनके जेल से बाहर आने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। दिन पर दिन केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। वही हाल में ही दिल्ली के LG विनय कुमार सक्सेना के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर सीएम केजरीवाल की डाइट को लेकर सवाल उठाए हैं। LG के प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि जेल में अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कैलोरी कम खा रहे हैं, जिससे उनका वजन कम हो रहा है। साथ ही सवाल उठाए गए कि केजरीवाल प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जेल से बाहर आने के लिए वो कई पैतरे अपना रहे हैं, लेकिन उनकी हर चाल विफल होती जा रही है। इसी को लेकर उन्होंने अब एक नया पैतरा अपनाया है। जी हां, केजरीवाल इन दिनों दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने खाना पीना कम कर दिया, जिससे उनकी सेहत पर असर पड़ रहा है। उनको लगता है कि ऐसा करने से वो जेल से बाहर आ जाएंगे। इसी को लेकर अब दिल्ली के LG VK सक्सेना के कार्यालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इसे लेकर LG के प्रधान सचिव ने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है, जिसमें 6 जून से 13 जून के बीच केजरीवाल की डाइट और इंसुलिन से संबंधित गंभीर स्वास्थ्य चेतावनियों का जिक्र किया है। LG कार्यालय ने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कम कैलोरी वाली डाइट ले रहे हैं और तय मानकों से कम आहार ले रहे हैं, जिससे उनका वजन कम हो रहा है। वहीं LG के प्रधान सचिव ने चिट्ठी लिखकर सीएम की डाइट पर आरोप लगाया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने इस पर जवाब दिया है। मंत्री आतिशी ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि BJP सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। सीएम की सेहत के बारे में जानकारी देते हुए आतिशी ने कहा कि सीएम अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आ चुका है। इन सब चीजों के चलते सीएम केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में ब्रेन स्ट्रोक का खतरा भी बना रहता है। देखा जाए तो जेल में बंद सीएम केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाल ही में हाई कोर्ट में CBI से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के मामले में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसके बाद अब जमानत पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को होनी है। हालांकि देखा जाए तो जिस तरीके से केजरीवाल की दायर की जा रही याचिकाएं खारिज हो रही है, उससे यही लगता है कि अभी उन्हें कोई राहत नहीं मिलने वाली है। इसीलिए शायद यही वजह है कि वो नए पैतरे अपना रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।